हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। और जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताया था, हमारे यहाँ पे शीख मेला हो रहा है, तो मैं आज आया हूँ शीख मेला में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और दिखाते हैं आपको शीख मेला। तो ये है देसी कट्टा, देख सकते हो। और यहाँ पे और बहुत सारा चीज है, जैसे तरवाल है। चला दो क्या हंसा? नहीं, इसके साथ मजाक नहीं, क्योंकि अगर बाई चांस चल गया ना तो ये तो जाएगा। भैया, इसमें गोली कौन सा लगता है? और यहाँ पे टी शर्ट भी है, देख सकते हो भाई लोग। सिद्धू मूसे वाला, चारों तरफ सिद्धू ही सिद्धू है। ये वाला मस्त लगा है, लेजेंड नेवर डाई। और यहाँ पे भी है, ऊपर भी है, चारों तरफ सिद्धू ही सिद्धू, देख सकते हो सिद्धू मूसे वाला। रुमाल भी है, और यहाँ पे भी सिद्धू मूसे वाला। सैल्यूट टू सिद्धू मूसे वाला, लेजेंड्स नेवर डाई, है कि नहीं भाई? तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं शिख टेंपल, क्योंकि वहाँ पे है शिख टेंपल। और ये एक फील्ड है, फील्ड में मेला हो रहा है, और शिख टेंपल में जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या हाल है। तो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं शिख मंदिर के यहाँ पे, और ये है करक चाय। चाय पीना है क्या? ब्लॉग में ले लो कूलर चाय। हाँ भैया, आ जाओ आ जाओ। तो गाइस, अंदर जाने के लिए ना सर में ये पहनना जरूरी है। तुम दोनों के सर में तो नहीं है, तो मैं जाके घूम के आता हूँ। ये भी रुको, मैंने ये लगा लिया है। तो गाइस, ये है शिख मंदिर, देख सकते हो, बहुत ही सुंदर है। और अंदर बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अंदर जाने के लिए ना जूता यहाँ पे खोल के जाना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा तो आने के बाद वापस मिलेगा। तो जो भी देखना है ना गाइस, यही से देख लो। ये शिख टेंपल के साइड में भी देख सकते हो, ये सब गेस्ट हाउस है। जितना भी लोग पंजाब से आए हैं ना, यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। वैसे होटल में भी रहता है, लेकिन यहीं पे भी रहता है। यहाँ पे मेन फंक्शन चल रहा है, और यहाँ पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग चप्पल जूता पहन के ही जा रहा है, लेकिन पूरा अंदर जाने के लिए ना आपको वो पहनना, मतलब जूता खोल के जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ से एक बार सीन देख लो, कुछ ऐसा ही यहाँ का सीन। ऐसे ऊपर जो लाइट लगा है ना, वहाँ पे जो भी वो लगा है, मुकुट ना क्या बोलता है उसको, वो पूरा का पूरा सोना से बना हुआ है वो भी, और वो पिलर में जो है वो भी। ये ना बेल्ट लेने के टाइम में ना ये देख के खरीदो हमेशा। यहाँ पे अगर ये स्ट्रिप रहता है तब सही रहता है, अगर ये नहीं रहता ना तो कुछ दिन बाद यहाँ पे जो गम रहता है वो छोड़ देगा और ये खुल जाएगा। तो गाइस, मेले में घूमते घूमते हमको मिल चुका है बहुत सारा सब्सक्राइबर, मतलब सब्सक्राइबर नहीं है, भाई लोग है, हम लोग का गांव का है ये सब। धुबरी का जो सिख मेला है ना, ये हम लोग का सिख टेंपल के वजह से हो रहा है। और सिख टेंपल जो है, मैंने आप लोगों को दिखाया है, एक बहुत ही बड़ा टेंपल है। आप लोग कभी आओ धुबरी में, विजिट करो, मजा आएगा। तो कैसा लगा आपको मेला घूमते? मेला मतलब ठीक ही था, बड़ा नहीं है, तो छोटा मोटा मेला है। तो यहाँ पे मतलब भीड़ बहुत कम है, मतलब बाकी मेले से मतलब ज्यादा भीड़ नहीं है। भीड़ तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये जो मेला है एक्चुअली सिख का मेला है, और यहाँ पे सिख ट्रेडिशन का ही सब कुछ मिलता है। यहाँ पे आपको ना वो फीलिंग वाइब नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग बॉयज लोगों को क्या चाहिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, जैसे नागरदला वगैरह होता है, वहाँ पे उठना है हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं उठ सकते, है कि नहीं? तो है, पर एक चीज मस्त है भाई, यहाँ का जो लंगर है, मतलब फर्स्ट डे और सेकेंड डे में मिलता है, वो मतलब बेस्ट है। वो उसका जो खीर मिलता है भाई, एक बार खाओ, पहुँच जाओ हेवन में। कौन सा ठीक लग रहा है, ये वाला या ये वाला? ये वाला, ये वाला, ये वाला सही है। ये राउंड टाइप का है और ये स्क्वायर वाला ही ठीक है। एक चीज बताओ, वहाँ पे है ना एक सीन हो चुका है मेरे साथ। एक दुकान में मैं गया था, उसको पूछा कि ये देसी कट्टा और ये तरवाल जो है इसका प्राइस कितना है। तो मेरा हाथ में ना वो कैमरा देख के ना क्या हुआ, वो डर गया। उसको लगा था कि मैं उसका कुछ वीडियो बनाऊंगा, कुछ दिक्कत होगा, तो इसीलिए मैं कैमरा बंद कर दिया। उसको बोला कि नहीं, मैं ब्लॉगर हूँ, मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। हंसी 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 एक हंसी मार। तो गाइस, अभी मेला घूमना हो चुका है कंप्लीट, और यहाँ पे हमने कुछ सामान दिया है पुष्पा के लिए। किसी के लिए ले ना ले, पुष्पा के लिए तो लेना पड़ेगा, और घर में जाके दिखाएंगे। और देख सकते हो यहाँ पे विंटर आ चुका है, पूरा का पूरा पानी से भर्ती हो गया है, सीट भी भीग गया है। अभी घर चलता हो जल्दी से। तो गाइस, अभी मैं पहुँच चुका हूँ घर में, और मैं दिखाता हूँ अभी कि क्या लेके आया मैं। ये देख लीजिए, ये मैं पुष्पा के लिए लेके आया। ये दिखने में बहुत ही क्यूट है, सुंदर है, उसको पसंद आने वाला है। और उसके साथ ये चूड़ी भी लेके आया, एक छोटा सा चूड़ी।
तो गाइस वीडियो का जो क्वालिटी है ना, मुझे मालूम है थोड़ा सा लो है, क्योंकि मैं पूरा ब्लॉग ना गोप्रो से शूट किया, सिर्फ एक दो जगह में ही फोन यूज किया, तो गोप्रो का फुटेज जो है ना नाइट में, मतलब जब लो लाइट होता है ना, उतना भी अच्छा नहीं आता है, जिसके वजह से थोड़ा बहुत लो आ सकता है, तो वो आप मैनेज कर लेना। मैं फोन का इस्तेमाल ना इसलिए नहीं किया क्योंकि भीड़ भाड़ एरिया में ना जब हम फोन होल्ड करके ब्लॉग शूट करते तो साइड बाय साइड जो भी लोग रहता है ना अजीब तरीके से देखता रहता है, जिसके वजह से थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन गोप्रो सही रहता है। ये छोटा चीज है ना, ऐसे हाथ में होल्ड करो, बात करते करते जाओ, किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये ब्लॉग शूट कर रहा है, लेकिन ऐसे फोन जब हम होल्ड करते हैं ना सब कोई देखने लगता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया ना तो लाइक करके जाओ, नए चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।